राष्ट्रवाद का प्रधान होने के नाते सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से एक आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप कहोगे आपको जरूरत पड़ेगी, अभी कुछ मीटिंग में हमने फैसले लिए हैं, चाहे अधिकारियों से मिलने की बात है, चाहे डीसी महोदय से मिलने की बात है, चाहे और बड़ा आंदोलन करने की बात है, वो फैसले हमने लिए अभी, वो प्रधान जी आपके बीच में रखेंगे विस्तार से। लेकिन एक बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ साथियों, कि जब भी विभिन्न कर्मचारियों की आपको जरूरत पड़ेगी और इन अधिकारियों को रहने की आदत है इनको पड़ेगी, तो बिजली के कर्मचारी कम से कम फतेहाबाद के अंदर तो आज ऐसी हालात पैदा कर सकते हैं हमें कि इनका जुलूस तो हम जरूर निकाल देंगे, कहोगे वहां निकाल देंगे, लाइट की बत्ती नहीं चसने देंगे फतेहाबाद में जब तक आप बक्के नहीं होंगे। ऐसे नहीं है कि हम यूं कह रहे हैं हवा में तीर मार रहे हैं। साथियों जो हमने आपके नियम कायदे कानून पढ़े हैं अभी, जिसके तहत जिसका अधिकार बनता है उसके अधिकार को हम मतलब इनको छीनने नहीं देंगे। जितने आदमी हमारे बनते हैं नॉर्म्स के हिसाब से उन आदमियों को हम पक्का करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फतेहाबाद ब्लॉक की तरफ से अभी हमारी एक जिम्मेवारी लगी है कि ये धरना ये दो तीन की छुट्टी पे बता रहे हैं, कोई अधिकारी यहाँ महिला है वो जा रही है कहीं दो तीन की उस टाइम तक फतेहाबाद ब्लॉक के 5-7 रोजाना आपके धरने के समर्थन और बोल के जाएंगे। और मैं तो एक कहता हूँ कि आदमी को हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए कि हमने धरना दे लिया हर कहना कि हम ये कह रहे हैं धरने से चाहे हमारा एक आदमी पक्का हो जाए, हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें अपना हौसला बढ़ा के हौसला लेके जाना चाहिए और जो आने वाला भविष्य है वो हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ जयवर कर जाइए, धन्यवाद।